हाजी सैयद शाह, मेरे अब्बू मौलवी अब्बास अंसारी का कातिल है। पिछले 18 सालों से वो कश्मीरियत का सौदा करते आ रहे हैं। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही अजीजा? सबूत है मेरे पास, उनके बैंक रिकॉर्ड्स, जहां पे सालों से अब जो रुपयों का ट्रांसफर होता आ रहा है। आईएसआई और ना जाने कितनी इंटरनेशनल एजेंसीज इन्हें फंड करती हैं ताकि कश्मीर जलता रहे, ताकि ये मासूम कश्मीरियों को गुमराह करते रहे, कभी इस्लाम के नाम पे, कभी जिहाद के नाम पे, कभी कश्मीरियत तो कभी जंगी आजादी के नाम पे। हमारे जज्बातों के साथ खेलना हाजी सैयद शाह का पेशा है। और पासपोर्ट फाड़ने का बहुत शौक है ना इन्हें, तीन तीन मुल्कों का पासपोर्ट रखते हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। हाजी सैयद शाह ने हम कश्मीरियों के साथ वही किया जो सदियों से हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरकार करती आई है। वो हर उस मां का गुनहगार है जिसने अपना बेटा खोया है, वो हर उस बेटे का गुनहगार है जिसने अपने वालिद को खोया है, और वो हर उस औरत का गुनहगार है जिसके खाविंद आज तक लापता है। ये मेरी जाती लड़ाई नहीं है, बल्कि कश्मीर के वजूद का मसला बन गया है। हाजी सैयद शाह ने कश्मीर की आवाम को धोखा दिया है, आपको धोखा दिया है, और सजा देना सिर्फ आपका हक है। आतंकवादी बच्चा आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों में फायरिंग जारी है, अब तक 2 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। चार शहरों में हुए सीरियल ब्लास्ट में 160 व्यक्ति मारे गए। जम्मू कश्मीर में आज भारी सुरक्षा के बीच मतदान संपन्न हुआ। इन मुंबई टेररिस्ट अटैक, हाजी सैयद शाह हैज बीन रिलीज्ड ऑन हेल्थ ग्राउंड्स। इस्लाम के नाम पर, पंडितों के नाम पर, कश्मीरियत के नाम पर, आजादी के नाम पर, सभी शामिल हैं, सभी शामिल हैं, सभी शामिल हैं।